नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य एक्सीलेंट चैनल में। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आईटीआई के करने वाले छात्रों को, जो किसी भी ट्रेड से हो, या इलेक्ट्रिशियन से हो, फिटर से हो, या टेक्नीशियन से हो, या मैकेनिक हो, या वायरमैन हो, ETC या कोई भी ट्रेड से हो, उनके लिए लाया हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का, इस वीडियो पर पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों में ध्रुव शून्य के ये विद्युत चुंबक का पदार्थ होना चाहिए। इसका ऑप्शन दिया है शुद्ध लौह, बी ऑप्शन है एल्युमिनियम, और स ऑप्शन दिया है ताम्र, और द ऑप्शन है इसका सीमा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो वाला ऑप्शन सही होगा, शुद्ध लौह। तो इसका ऑप्शन नंबर ओ सही है। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर स्टैम्पिंग में सिलिकॉन का प्रतिशत निम्न तक सीमित होता है। तो ये इसमें पूछा है कि ट्रांसफार्मर में जो स्टैम्पिंग में सिलिकॉन का जो प्रतिशत होता है वो कितने प्रतिशत तक सीमित होता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका 100 वाला ऑप्शन सही होगा, 4% तक। तो इसका 100 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय पदार्थ में विद्युत इंजीनियरिंग प्रयोगों के लिए न्यूनतम वांछित गुण है। इसका ऑप्शन है उच्च, ओ ऑप्शन है इसका उच्च चुंबकशीलता, ब ऑप्शन है उच्च विद्युत प्रतिरोधता, और स ऑप्शन है भारी शैथिल्य लूप, और द ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका 100 वाला ऑप्शन सही होगा, भारी शैथिल्य लूप। तो इसका 100 वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उच्च फ्लक्स घनत्व में उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, बी ऑप्शन है सिलिकॉन लौह, और स इसका ऑप्शन है ठंडा रोलित सिलिकॉन इस्पात, और द ऑप्शन है गर्म रोलित सिलिकॉन इस्पात। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये ओ वाला ऑप्शन सही होगा, माइल्ड इस्पात। तो इसका ओ वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श विद्युत रोधी पदार्थ का होना चाहिए। इसका ऑप्शन दिया है निम्न प्रतिरोधी विद्युत रोधी प्रतिरोध, बी ऑप्शन है निम्न परावैद्युत सामर्थ्य, और इसका स ऑप्शन है निम्न परावैद्युत हानि कोण, और द ऑप्शन है निम्न यांत्रिक पदार्थ सामर्थ्य। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये स वाला ऑप्शन सही होगा, निम्न परावैद्युत हानि कोण। तो ये स वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टम अपने विद्युत रोधी गुणों को खोए बिना निम्नलिखित तापमान सह सकता है। तो एस्बेस्टम जो होता है, ये एक बहुत अच्छा विद्युत रोधी गुण है, जो आग में भी जाने पर मनुष्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। तो इसका जो पूछा है कि ये कितने तापमान तक सह सकता है, तो इसका ऑप्शन दिया है 250, और बी ऑप्शन है इसका 400, और स ऑप्शन है 520, और द ऑप्शन है 580। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये ब वाला ऑप्शन सही होगा, ये ब वाला ऑप्शन सही है, 400। तो ये इसका ब ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशा कांच विद्युत रोधी का उपयोग निम्न ताप तक किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है 130, बी ऑप्शन है 170, और स ऑप्शन है 210, और द ऑप्शन है 240। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये 7वां का ओ वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसका ओ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन इस्पात E330 प्रदर्शित करता है। तो ये जो 8वां का इसका आंसर होगा, ये 100 वाला ऑप्शन सही होगा, यह ठंडा रोलित रेशा रेखित अर्थात कोल्ड रोलित ग्रेन ओरिएंटेड है। तो ये ठंडा रोलित रेशा संरेखित है। तो इसे 100 वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिलिकॉन इस्पात में सिलिकॉन का प्रतिशत अन्य की तुलना में उच्च है। तो इसका ऑप्शन दिया है E11, बी दिया है E12,
और इसका सौ ऑप्शन दिया है E21 और दो ऑप्शन दिया है E42। तो इसका जो सही आंसर होगा ये दो वाला ऑप्शन सही होगा E42। तो ये सौ वाला दो वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है E320 व्यक्ति सिलिकॉन इस्पात से प्रथम दो अंक 3-2 व्यक्त करते हैं क्रमशः। इसमें ऑप्शन दे दिया है, और ऑप्शन दिया है सिलिकॉन प्रतिशत एवं विशिष्ट हानि, बो ऑप्शन है 50 हर्ट्ज पर विशिष्ट हानि एवं रेशा दिविष्टि की दिशा, और इसका 100 ऑप्शन है 100 हर्ट्ज पर विशिष्ट हानि एवं चुंबकीय वर्ग, और इसका दो ऑप्शन है रेशा दिशिष्ट ठंडा रोलित वर्ग एवं चुंबकीय वर्ग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये ओ वाला ऑप्शन सही होगा, सिलिकॉन प्रतिशत एवं विशिष्ट हानि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे जो बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस जरूर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ग्यारहवां क्वेश्चन है पंप ब्लोअर और पंखे को निम्न निर्धारित पर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिया है सतत ड्यूटी, बी ऑप्शन दिया है इसका लघुकाल ड्यूटी, और सौ ऑप्शन है विच्छित आयुधिक ड्यूटी, और दो ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा 11 का और ऑप्शन सही होगा सतत ड्यूटी। बारहवां क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग अभिकल्पन अर्थात प्रारंभन और ब्रेकिंग के साथ सतत ड्यूटी के लिए होता है। इसका ऑप्शन दिया है मशीन टूल्स, दो ऑप्शन है संपीड़न, और इसका सौ ऑप्शन है सायरन, और दो ऑप्शन है ब्लोअर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ओ वाला ऑप्शन सही होगा मशीन टूल्स। अगला क्वेश्चन है निम्न में किसका उपयोग लघु समय ड्यूटी के लिए होता है। ऑप्शन दे दिया इसको, ऑप्शन दिया है कन्वेयर, दो ऑप्शन है ब्लोअर, और इसका सौ ऑप्शन है सायरन, और दो ऑप्शन है हाइस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये 13वां का दो वाला ऑप्शन सही होगा हाईएस्ट। तो ये दो वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग प्रारंभ एवं ब्रेकिंग के साथ वांछित ड्यूटी के लिए होता है। ऑप्शन दे दिया है ओ ऑप्शन पंप, बो ऑप्शन है इसका कन्वेयर, और इसका सौ ऑप्शन है आयरन, और दो ऑप्शन है क्रेन। तो इसका जो सही आंसर होगा 14 का दो वाला ऑप्शन सही होगा क्रेन। तो ये ब्रेकिंग के साथ वांछित ड्यूटी के लिए होता है, ये क्रेन होता है। तो इसका जो दो वाला ऑप्शन है यही सही है। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर का शाफ्ट सामान्यतः बना होता है, जो विद्युत मोटर होता है उसका जो शाफ्ट बना होता है वो किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन दे दिया है माइल्ड इस्पात, ऑप्शन दे दिया है ढलवा लोहा, और सौ ऑप्शन है ताम्र, और दो ऑप्शन है एल्युमिनियम मिश्रित धातु। इसका जो सही आंसर होगा ये 15 का ओ वाला ऑप्शन सही होगा, सॉरी ये 15वां का ओ वाला ऑप्शन सही होगा, ये माइल्ड इस्पात। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर के लिए शाफ्ट की चरम गति होनी चाहिए। तो जो विद्युत मोटर के लिए शाफ्ट की चरम जो गति होनी चाहिए वो प्रचलन गति से दूर होनी चाहिए। तो ये ओ वाला ऑप्शन सही है इसका, प्रचलन गति से दूर। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर के शाफ्ट को सामान्यतः आधार दिया जाता है। तो जो विद्युत मोटर का शाफ्ट होता है उसे किसको से आधार दिया जाता है। ऑप्शन ओ दिया है चुंबकीय बेयरिंग, और वो ऑप्शन है ब्रूस बेयरिंग, और इसका सौ ऑप्शन है बाल या रोलर बेयरिंग, और दो ऑप्शन है ढलवा या लौह बेयरिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा 17 का ये सौ वाला ऑप्शन सही होगा, बाल या रोलर बेयरिंग। तो इसका सौ वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्थक चुंबक के द्वारा प्रेक्षित बल दूरी डी के साथ परिवर्तित होता है। ऑप्शन दे दिया है और डी, ऑप्शन है डी स्क्वायर, और इसका सौ ऑप्शन है 1/d, और दो ऑप्शन है 1/d². तो इसका जो सही आंसर होगा ये दो वाला ऑप्शन सही होगा 1/d². तो ये दो वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है
यदि भी फ्लक्स घनत्व एक कार्यकारी अंतराल का क्षेत्रफल और मेव चुंबकशीलता है तो आकर्षण प्रारूप चुंबक के प्रेरित बल होगा। तो इसका जो सही है म्यू ए अपान टू बी ऑप्शन दिया है, और इसका ब ऑप्शन दिया है म्यू बी अपान ए स्क्वायर, और सब ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान टू म्यू, और द ऑप्शन दिया है बी ए स्क्वायर अपान टू म्यू। तो इसका जो सही आंसर होगा ये 19 का द वाला ऑप्शन सही होगा, बी स्क्वायर अपान टू म्यू। तो इसका द वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बल आघात वक्र उत्थानक चुंबक अर्थात लाइटिंग मैग्नेट के लिए होगा। तो इसे चित्र के अनुसार आपको देखना होगा। तो चित्र जो दिया है इसमें ऑप्शन भी दे दिया है आघात आघात आघात, और इसका देखिए ये ऊपर का तीर है और ये जो है ये एकदम तिरछी रेखा है। तो इसका जो इसमें जो सही आंसर होगा ये 20वां का, ये 100 वाला ऑप्शन सही होगा, ये 100 वाला ऑप्शन सही होगा चित्र के देखने के अनुसार। अगला सही है क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्पेस घटक सभी पर निर्भर करता है केवल निम्न को छोड़कर। ऑप्शन है विद्युत रोधक मोटाई, ब ऑप्शन है चालक का आकार, और स ऑप्शन है चालक की व्यवस्था, और द ऑप्शन है चालक का घनत्व। तो इसका जो सही आंसर होगा ये द वाला ऑप्शन सही होगा, चालक का घनत्व। तो इसका द वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है रोटर खांचे के तिरछा करने से निम्न सहयोग मिलता है। तो जो रोटर खांचे को तिरछा करने से जो निम्न सहयोग मिलता है उसे किस नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन दे दिया है ऊष्मा स्थानांतरण को सुधारने, और वो ऑप्शन है शोर कम करने में, और द ऑप्शन है वांछित हार्मोनिक्स को संपीड़न करना, और द ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये 100 वाला ऑप्शन सही होगा, ये 100 वाला ऑप्शन सही है वांछित हार्मोनिक्स को स्पीडन करना। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घूर्णित मशीनों को हार्मोनिक्स निम्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो जो घूर्णित मशीनों में जो हार्मोन्स होते हैं ये निम्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। इसमें आपको कारण देखना है कि कौन सा कारण इसमें जो सही है। तो पहला कारण दिया है ओ वाला ऑप्शन में आयोजकीय क्षेत्र निर्माण से, और वो ऑप्शन दिया है स्टेटर क्रोड के खांचा कारण से, और इसका स वाला ऑप्शन दिया है ओ और ब दोनों, और दो ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये 100 वाला ऑप्शन सही होगा, ओ और ब दोनों, अर्थात इसका ओ वाला ऑप्शन भी सही है और ब वाला ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है घूर्णित मशीनों को हार्मोनिक्स प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऑप्शन दे दिया है लंबे वायु अंतराल के उपयोग से, और वो ऑप्शन दे दिया है ध्रुवों को तिरछा करने से, और सौ ऑप्शन है विपरीत कुंडलन का प्रयोग, और दो ऑप्शन है उपयुक्त तो सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये दो वाला ऑप्शन सही होगा उपयुक्त तो सभी। तो इसकी इसका उपयुक्त तो सही का मतलब अ वाला ऑप्शन ऑप्शन भी सही है और वो भी सही है और सौ भी सही है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर। दोस्तों इतना बड़ा वीडियो बनाने का मतलब तो आपको एक लाइक तो बनता ही है, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करते हुए एक बेल आइकन दिखेगी उसको प्रेस करना न भूले। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 25वां क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन है दृष्टि धारा मशीनों में ध्रुव की संख्या निर्धारित की जाती है। ऑप्शन दिया है फ्लक्स दिग परिवर्तन की आवृत्ति, और वो ऑप्शन है लौह भागों का भार, और सौ ऑप्शन है ताम्र का भार, और दो ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये दो वाला ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी। तो इसका ओ ऑप्शन भी सही है और स भी सही है और ब भी सही है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त हुआ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करते ही आपको एक बेल आइकन दिखेगी उसको प्रेस करना न भूलें।